हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैमल लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के आज के एक बहुत बड़े नोटिफिकेशन की, जो इग्नू की तरफ से भी कुछ देर पहले रिलीज किया गया है, जो कि आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के रिगार्डिंग आपका नोटिस है। तो हम उस नोटिस को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये नोटिस इग्नू की तरफ से 29 अक्टूबर 2020 को अभी कुछ देर पहले ही रिलीज किया गया है। तो जैसा कि हम ये जानते हैं, 22 जुलाई, 30 जुलाई और 1 अक्टूबर को हमारे साथ नोटिस शेयर किए गए, जिसमें बताया गया था कि जो हमारे जून में एग्जाम होने वाले थे उनको भी दिसंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन किया गया था। तो जो एग्जाम दिसंबर 2020 में होने वाले थे, उन एग्जाम्स को भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब आपके वो एग्जाम्स फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक से कंडक्ट किए जाएंगे। जी हाँ, तो फाइनली जो आपके एग्जाम अभी दिसंबर में होने वाले थे, एक महीने बाद अब उन एग्जाम्स को भी कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स दिसंबर में ना होके फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक से कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी, उसको भी अब 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप 15 दिसंबर तक अपना एग्जाम फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही आपके असाइनमेंट्स की भी जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 15 दिसंबर 2020 तक। फिर चाहे आप ऑनलाइन मोड से, ऑफलाइन मोड से आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो अब आप वो भी 15 दिसंबर 2020 तक कर पाएंगे। साथ ही ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, इवन फील्ड वर्क होगा, तो इन सब की भी सबमिशन की जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया 15 दिसंबर 2020 तक। तो अब आप स्टूडेंट्स को और काफ़ी टाइम दे दिया गया है ये सब चीज़ें सबमिट करने के लिए। वहीं आप ये फोर्थ पॉइंट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के लिए, जो कि सितंबर 2020 में हुए थे, उसमें अपियर नहीं हो सके। और साथ ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं और उन एग्जाम्स के लिए वो रजिस्टर कर रहे हैं, जो कि अब नोटिस आया कि वो भी अब फरवरी 2021 में होंगे एग्जाम्स। तो उन स्टूडेंट्स का दिसंबर में ही रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी वो एक्सपायर हो जाती, तो इसके लिए भी उनके रजिस्ट्रेशन टाइम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2021 तक। तो अब आप इजीली अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। आपका टाइम भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बस जून 2021 तक के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं आप इस फिफ्थ पॉइंट में देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के लिए एग्जाम्स देने के लिए अप्लाई किया था, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन वो स्टूडेंट्स किसी भी वजह से किसी भी एक सब्जेक्ट में या अपने सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो स्टूडेंट दिसंबर 2020 में अलाउ हो पाएंगे, अपने जो एग्जाम्स हैं वो दे पाएंगे, जो कि अब फरवरी 2021 में हमारे एग्जाम्स होंगे। और साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने जून 2020 में टर्म एंड एग्जामिनेशन के ऑनलाइन फॉर्म जो था वो सबमिट करना था और वो नहीं कर पाए थे, तो वो अब दिसंबर 2020 तक अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, जिसमें उनकी 150 रुपीज पर कोर्स जो है वो फीस लगेगी। तो अब जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना एग्जाम फॉर्म भर लें, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो भी एक्सपायर ना हो, तो इसके लिए भी आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ ही जो अपने जून में एग्जाम्स देने वाले थे और वो नहीं दे पाए थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अब दिसंबर 2020 तक का जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दिसंबर 2020 तक जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उसके लिए आपको 150 रुपीज पर कोर्स आपको फीस जो है वो सबमिट करनी होगी, ऑल्सो यू कैन से आपको पे करनी होगी। और साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि जून 2020 में होने थे, जो कि आपके सितंबर में हुए थे, तो जो उसकी फीस है उसको भी टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 तक के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा उस फीस को, तो उन स्टूडेंट्स को फिर से फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी फीस जून में ही दे चुके हैं तो आपको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने जून में अपना फॉर्म नहीं भरा और अब भर रहे हैं, तो आपको 150 रुपीज पर कोर्स आपको पे करना होगा। यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि जो एग्ज़ाम्स इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स के हों या फिर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के हों, जो एग्ज़ाम्स दिसंबर में होने वाले थे उन एग्ज़ाम्स को एक्सटेंड कर दिया गया है
फरवरी 2021 के फर्स्ट वीक तक। तो आपके वो एग्जाम्स फरवरी 2021 में होंगे। अब दिसंबर में आपके कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।